जाओ एम्बुलेंस को फोन करो जाके। ये वाक़या सईदाबाद के नवाही इलाके सज्जनगोट का है। ये वाक़या सन 2011 के महीने अगस्त में पेश आया। ये वाक़या उन दिनों में पेश आया जिन दिनों में स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातें और स्पेशली मिनी बस से लोगों को निकाल कर अगवा करने की वारदातें बहुत ही आम हो चुकी थी। इन्हीं दिनों में सलबा नामी एक खातून सईदाबाद थाने में अपने शोहर की गुमशुदगी की FIR रिपोर्ट करवाने के लिए आई। साहब ये बीबी आई है अपने शोर की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाना है। आए बीबी आए। सलाम साहब। अच्छा हाँ बोलो बीबी क्या बात है। थानेदार साहब मेरा शोर कल से घर नहीं आया वापस। वो बीबी कहीं यार दोस्तों में रुक गया होगा, आ जाएगा। वैसे घर से कब गया था? कल सुबह गया था काम पे फैक्ट्री, लेकिन वापस नहीं आया है। बीबी तुमने फैक्ट्री में पता किया? नहीं जी। ओ कमाल है बीबी, पहले फैक्ट्री में तो पता करो, हो सकता है किसी रिश्तेदार के घर में रुक गया हो, आ जाएगा। वैसे कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं हुआ? नहीं जी नहीं, कोई झगड़ा वगड़ा नहीं हुआ था। अच्छा अच्छा अपना नाम एड्रेस लिखवा दो और रिश्तेदार वगैरह में मालूम करो, वो खुद ही आ जाएगा। सर इनका मतलब है कहने का कि हमने इनके शोर को पकड़ा है। आपसे कह दिया ना बीबी, अब जाए और इन्हें ले जाओ इनका बयान वहां लिखवाओ के लिए। सईदाबाद पुलिस के मुताबिक सलमा अपने शोहर जुल्फिकार के साथ सईदाबाद ही के एक नवाही इलाके सज्जनगोट में रिहाइश पजीर थी। जुल्फिकार जिस फैक्ट्री में काम करता था उसके ठेकेदार का नाम नसीर था और ये नसीर ने ही अपना ही मकान इनको रहने के लिए किराए पर दिया हुआ था। ठेकेदार नसीर के मकान में कुछ अरसा रहने के बाद जुल्फिकार ने उसी गली में अपना मकान तब्दील करके किराए पर ले लिया। और फिर जब जुल्फिकार के गुमशुदा होने की खबर उसके भाई आशिक हुसैन को मिली तो वो फौरन अपनी भावच के पास आया। हेलो सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम अदा, तू कब आया? बस भाजाई चाचा ने बताया तो मैं सीधा इधर आ गया। अच्छा बैठ बैठ। हाँ भाजाई बैठो, तुम बैठो भाजाई बैठो। भाजाई अदा कब से नहीं आया है? अदा 3 रोज हो गए उसको काम पे गए हुए, अभी तक वापस नहीं आया है। तो भाजाई तुमने ठेकेदार से पता किया? उससे तो मैंने सबसे पहले मालूम किया था जाकर। तो क्या कहता है वो? वो तो बेचारा खुद इतना परेशान है, वो कहता है कि 3 रोज पहले 5 बजे शाम को छुट्टी करके गया था। मैं भी फोन करती हूँ उसको लेकिन उसका फोन ही बंद जाता है। अदा तो कहीं जाता ही नहीं था और भजाई फोन तो उसका बंद होता ही नहीं था। मेरे को तो डर लग रहा है कहीं उसको किसी ने पकड़ ना लिया। नहीं भजाई नहीं नहीं नहीं, अदा की तो किसी के साथ कोई दुश्मनी थी ही नहीं। लेकिन आजकल तो चलती बसों में से उतार लेते हैं लोगों को। नहीं नहीं
भाजाई, अल्लाह खैर करेगा, तुम परेशान मत हो। मैं जरा अस्पताल जाके देखता हूँ, अल्लाह खैर करे कोई हादसा वादसा ना हो गया हो। ओ खाला, मेरी भाजाई का ख्याल रखना। जुल्फिकार का भाई आशिक और उसके दीगर रिश्तेदार जुल्फिकार की गुमशुदगी की खबर सुनने के बाद काफ़ी परेशान थे, और जुल्फिकार की बीवी सलमा ने आशिक हुसैन से जब इस बात का खदशा जाहिर किया कि कहीं ऐसा ना हो कि उसको किसी ने किडनैप कर लिया हो या उसके साथ कोई और हादसा पेश आ गया हो, ये सुनकर आशिक हुसैन और भी परेशान हो गया और वो उसको ढूंढने के लिए निकला। आशिक अपने भाई की तलाश में सारा दिन मुख्तलिफ जगहों पर उसे ढूंढता रहा। उसने कोई हॉस्पिटल, अपने भाई के दोस्त, कोई ऐसी शॉप्स या कोई भी ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ पर उसको थोड़ा सा भी खदशा था कि उसका भाई वहाँ पर मौजूद होगा या वहाँ पर उनके पास आता जाता होगा, लेकिन उसको सिवाय मायूसी के वहाँ से कुछ भी ना मिला। और फिर जब वो इन सब चीज़ों से मायूस होकर थका हारा वापसी सज्जनगोट आ रहा था तो उसको गली के कोने पर इत्तफाक से ठेकेदार नसीर से उसकी मुलाकात हुई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आशिक बाबा, गांव से कब आए, सब खैरियत है ना बाबा? हाँ बाबा, वो सब ठीक। वो नसीर भाई, जुल्फकार भाई का कुछ पता चला? नहीं, वो तो परसों से मिला ही नहीं है। उस दिन सुबह काम पर गया था, पता नहीं भाई। मेरा मतलब आपसे कोई मुलाकात वगैरह, कोई नौकरी वोकरी की तो बात नहीं कर रहा था? नहीं, वो सुबह से काम से नहीं आया था। मैं समझा घर पे कोई काम वाम होगा, पहले भी तो वो अक्सर छुट्टी कर लिया करता था। उस दिन काम पर नहीं आया था? नहीं नहीं, वो सुबह से काम पे नहीं आया। और बाकी गोठ में सब खैरियत है, ठीक ठाक है? मैं इस वक्त जरा जल्दी में हूँ, काम है, ठीक है ना? सब खैर है।